पिछले 24 साल से लगातार अमरनाथ आ रहे हैं। हमारी दो ही यात्रा बीच में मिस हुई हैं जो कोविड के कारण मिस हुई। 2-3 टेबलों से हमने यहाँ व्यापार शुरू करा था, आज इस तरीके की हमारे यहाँ 3 दुकानें लगती हैं। हम लोग गीता प्रेस से एक्चुअली एक ट्रस्ट है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, जो धार्मिक पुस्तकें, आयुर्वेदिक दवाइयाँ और पूजा पाठ की वस्तुएँ, अच्छे क्वालिटी की वस्तुएँ होती हैं जो उपलब्ध कराती है। रुद्राक्ष हैं हमारे यहाँ पर, राशि स्टोन होते हैं, जितने भी साहित्य है, शिव पुराण है, गीता है, भागवत है, 2000 से ऊपर हमारी पुस्तकें हैं। जैसे कि ये भगवान भोलेनाथ का धाम है तो यहाँ पे रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा सेल होता है और रुद्राक्ष की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि रुद्राक्ष जो होता है भगवान शिव का भूषण है और भगवान शिव को लोग रुद्राक्ष से नहीं पसंद करते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा। लगभग 1-2 लाख लोग हैं जो हमारी दुकान में विजिट करते हैं पूरी यात्रा में। हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है और जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, वो क्लास होती है, क्वालिटी होती है उसके अंदर। इसी वजह से कस्टमर और हमारा जो रिश्ता होता है वो उम्र भर के लिए बनता है। साथ साथ भोले बाबा बैठे हैं यहाँ पे, करिश्मा, ये सबसे बड़ा करिश्मा है यहाँ पे, जो भोले बाबा बैठे हैं, शिवलिंग है, बर्फानी बाबा है, वो एक करिश्मा ही तो है वो एक। और रही बात लाभ की, तो लोग यहाँ विश्वास श्रद्धा से आ रहे हैं, सबको बाबा बर्फानी कुछ ना कुछ देते ही हैं। साल भर हम तैयारी करते हैं और यहाँ से जाने के बाद जो भी हमारी यादें हैं, मतलब ये अमरनाथ की जो भूमि है ये हमें हमेशा खींचती है अपनी ओर। ये दरबार ऐसा है कि मतलब कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, बाबा को पता है कब क्या देना है, बिना मांगे देते हैं, वो तो इतने दयालु हैं, वहाँ मांगने की जरूरत नहीं है। वहाँ भी मांगना पड़ा तो फिर क्या बात है। यहाँ जो व्यवस्था है, यहाँ जो प्रशासन है, ऐसा कहीं नहीं है।